अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गज़ल इरफान। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजरों का हलवा। ये कद्दूकश की हुई 1 किलो गाजरें हैं, उसमें आधा किलो दूध है। हमने इनको बनाकर तो आग पर चढ़ा दिया है और हमने दूध इसमें डालकर तो मतलब इसको इतना गलाना है हमने गाजरों को कि सिर्फ गाजरें गलने देंगे इनको, ज़्यादा मतलब ऐसे हलवा नहीं बनाना, ठीक है ना। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना दूध जो है वो खुश हो गया और साथ में हमारी गाजरें भी जो हैं वो गल गई हैं हल्की हल्की। ये देखें और ज़्यादा गलानी नहीं है इनको, हलवा नहीं बना देना, ठीक है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा इनको बस गलाना है, जब इतनी को गल जाती हैं तो उसके बाद आपने दूध फिर खुश करना है और आँच तेज़ कर देनी है। अब हमने नीचे से इसकी आँच तेज़ कर देनी है ताकि अब दूध जल्दी खुश्क हो जाए और वो खई की शक्ल तैयार कर दिए और गाजर भी ज़्यादा गले ना और चमचा नहीं ज़्यादा इसमें मारना आप लोगों ने, ठीक है ना। चमचा बस हल्के हल्के हाथ से मारना, ज़्यादा नहीं इसने फेरते रहना आप लोगों ने। आँच अब हमने कर दी है तेज़ ताकि अब दूध जो है हमारा जल्दी से अब खुश्क हो जाए, वो खोया सा बन जाए। अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं जी, हमने इसमें ऐड करना है, इसमें अब हम डालेंगे जायफल और जावित्री। इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल बाजार जैसी आएगी। अगर आप लोगों ने बाजार से जैसा ही बनाना है तो जायफल और जावित्री ही डालिएगा, अब बड़ी ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है। इलायचियाँ भी डाल सकते हैं लेकिन मैं जायफल और जावित्री डालती हूँ। अब हम थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते हैं जी देसी घी, ये घर का बना हुआ प्योर देसी घी अब ऐड कर देते हैं और जब इसको मेल्ट करेंगे। और एक बात का ध्यान बस रखिएगा कि आप लोगों ने चमचा इतना बस हिलाना है कि बस हल्के हल्के हाथ से कि ये नीचे ना लगने पाए ना। इसको अब देखें, अब खुश्क करना और आँच अपने तेज करके इसको खुश्क करना है। ये देखें गाजरें बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही हैं, ये इनके मैंने उनका हलवा नहीं बना दिया। अब इनको ऐसे ही हम लोग खुश्क करते जाएंगे और इसमें पानी बिल्कुल आप लोगों ने खुश्क कर देना है और तब तक इसको भूनते रहना और पास ही खड़े रहना है, इसमें आपने दूर नहीं जाना इसे। अब हम इसमें ऐड करते हैं जी चीनी। चीनी हसबे ज़रूरत आप लोगों ने ऐड करनी है। अब जी चीनी भी काफ़ी पानी छोड़ेगी तो भी ध्यान रखना है, चमचा बड़े ध्यान से हिलाने से पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। इतना आप लोगों ने भूनते जाना है, आँच ना ही ज़्यादा तेज़ करें और ना ही कम, क्योंकि जब चीनी डालते हैं तो उसका जलने का भी अंदेशा होता है। अब हम साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और पानी खुश्क करते जाएंगे। अब ये जो दूध है खुश्क होकर बिल्कुल वो खोया खोया अंदर छोटे छोटे खोए के दाने बनते जा रहे हैं। अब बस हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे, हल्के हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे और उसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। अब इसे हम क्या ऐड करते हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे जी खोया। जो ये देखिए मैंने इतना ज़्यादा खोया जो है ना जमा के रखा हुआ है, जिस तरह मैंने कद्दूकश कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी है तो आप बस छुरी से काट के जैसे मर्ज़ी आपको पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं। मैं इसको देखिए ऐसे मैंने इसको माशाल्लाह से घर बना के मैंने कई की रेसिपी आपको पता बताई थी। ये थोड़ा सा खोया हम ऐड कर देते हैं अंदर ताकि मज़ीद मज़ेदार हो जाए। हाय यम्मी सा मज़े से बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो, बड़ा मज़े का बनता है। ये देखें बिल्कुल अब ये रेडी हो गए हैं तकरीबन, बस सब कहीं उतारेंगे और डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना मज़े का बनना है। इतना यम्मी सब्जी के स्वाद बड़े ही मज़े की, ये देखें बिल्कुल इसमें खोए के जो वजन चम्स छोटे छोटे आ रहे हैं। अब हम डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी गर्मा गर्म हलवा, अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं अपना ये खोया जो हम लोगों ने कद्दूकश करके रखा हुआ है। मज़े से ये ऊपर मेल्ट भी हो जाएगा ना थोड़ा थोड़ा, तो मज़े से आप खाएं बनाएं, सर्दियों को इंजॉय करें, दोस्तों में बांटें, खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।